जालंधर के कुल्लड़ पिज़्ज़ा एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। कुल्लड़ पिज़्ज़े वालों साडा स्नेहा ला दियो कि भाई असी कल नूं 11:30 बजे उत्थे आ रहे हैं, साडे नाल बह के राबता कर लो। बहुत ही गल नूं लमकाओ ना ते ना इस गल नूं ज्यादा वधाओ, इहदे च तुहाडा फायदा हो। साडा मकसद आ वी जिहड़ा आईडियां ते उहनां ने गंद पाया जां यूट्यूब ते जां इंस्टाग्राम ते जां स्नैपचैट ते, असीं उह सारा कुछ डिलीट करवाउणा। ठीक है, जे उन्हें सिर ते पग रखनी है ते। निहंग सिखों की तरफ से कपल को उनकी वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहा जा रहा है और उनके रेस्टोरेंट पर भी जमकर हंगामा किया। रोकने के लिए इत्थे आए हैं, जे इन्हें यही काम करना फिर इन्हें सिर ते पग नहीं बनने दे। इन्हां नूं लगता कि शायद सेलिब्रिटी बन गए आ, विवादा च रह के शायद ये अपने आप नूं टीआरपी अपनी जिहड़ी वधाउणी चाहुंदे आ। हाल ही में निहंग सिखों की तरफ से कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद मामले को लेकर सहज ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की, जिसके बाद इस कपल ने श्री दरबार साहिब पर अपनी अर्जी लगाने की बात कही है। पिछले 2-3 दिनों तो एक सवाल उठ रहा है कि मैं दस्तार सजा सकता या नहीं सजा सकता। इस चीज का जवाब लेने के लिए मैं अपने पूरे परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहिब से जाके एक अर्जी देवांगा, जिथे ते मैं गलत मैनू सज़ा दिती जाए, जिथे मेरे ते मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है ते उस चीज़ की सुनवाई की जाए। और मैनू पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, सानू इंसाफ दवाया जाएगा और साडे सिखां दी सर्वोच्च संस्था ही है जो सही और गलत की सही चोण कर सकती है। एक श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान मैं एक होर बेनती करना चाहवागा, इतने साड़ी ते साडे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और प्रशासन में मैं ये अपील करदा कि साड़ी ते साडे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बार बार साडे रेस्टोरेंट उत्ते इदां दा माहौल ना क्रिएट होवे ते सानू बार बार इस चीज़ की हरासमेंट ना फेस करनी पवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाकी भाई अहीं ना किसे नूं डराउण, ना किसे नूं धमकाउण ते ना किसे नूं कुट्टर मारन वास्ते आ रहे हां। असीं पहल दे आधार दे उत्ते जो खालसे दा असूल आ, एक वारी बह के अपना छोटा भरा समझ के उहनूं समझावांगे कि भाई जो साडियां मंगां वा ओह पूरियां तैनूं करनियां पैणियां, बाकी ना ते सानूं कोई पैसे दी लालच आ ते ना अहीं विकण वाले आ ते ना सानूं कोई मां दा पुत्त खरीद सकदा। क्योंकि मैनूं सारी इनकुआरी मिल चुकी आ वी बड़े पैसे दित्ते तुसीं लोकां नूं, बहुत वंडे आ भाई तुहाडे कोल बहुत पैसे आ, वधिया गल आ, पर असीं पैसिआं नाल खरीदे जाण वाले नहीं हैगे, अहीं माझे वाले भाऊ आ। ठीक है, बाकी प्रशासन इहनां नूं सद लवे और 99% पंजाब जिहड़ा ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ 2-4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। 99% ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾ ਬਈ, ਭਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਟਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਵੇਖਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਕਾ ਇਸ ਪਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਮੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਰਹੇ ਟਰੂ ਸਕੂਪ।